हेलो एवरीवन, वेरी वॉम वेलकम टू अवर चैनल डाइट एंड फिटनेस जंक्शन। अच्छा, आप लोग सब सोच रहे होंगे मेरे हाथ में ये बॉटल क्या कर रही है। मैं आप लोगों के साथ एप्पल साइडर विनेगर का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जो मैं पिछले 7 महीने से यूज़ कर रही हूँ। देखिए, मैं ये वाला एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करती हूँ, हेल्थविट का। ये ऑर्गेनिक है, विथ मदर है, अनफिल्टर्ड है। हम जब भी एप्पल साइडर विनेगर खरीदें तो हमें 3 चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़, वो ऑर्गेनिक होना चाहिए। दूसरी चीज़, वो अनफिल्टर्ड होना चाहिए। तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, वो विथ मदर होना चाहिए। इसको मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है 200 रुपीज़ में। अमेज़ॉन पे बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है, बहुत सारी कंपनीज़ के एप्पल साइडर मिलते हैं, बट मुझे ये चीप एंड बेस्ट लगा। इसका प्राइस बहुत कम है और अगर हमको कम प्राइस में ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है, तो हमें कम प्राइस पे ही जाना चाहिए। ज़्यादा पैसे क्यों लगाएं हम किसी और चीज़ पे। अगर मैं इसकी इस्तेमाल की बात करूँ तो आपको इसको सुबह मॉर्निंग में लेना है, एम्प्टी स्टमक लेना है। अच्छा, मैं आपको लास्ट में ना फैट कटर ड्रिंक बताऊँगी जो आपको सुबह उठकर लेनी है। ये आपके एब्डोमिनल पे से फैट ऐसा उतारेगा कि आप खुद सोचेंगे कि वाकई में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये हमारी बॉडी पे। अच्छा, ये हमारे ना हार्मोन्स लेवल को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। साथ ही अगर हम डायबिटिक पेशेंट हैं तो हमें तो ये ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हम मीठे का तो बहुत ज़्यादा परहेज करते हैं बट हमारी शुगर लेवल जो है कंट्रोल में नहीं आता। तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। डायबिटिक पेशेंट को तो ज़रूर लेना चाहिए, जिनके मतलब बोलते हैं ना शुगर लेवल फ्लैक्चुएट करते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है ये। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आपको आपका बीपी भी ये कंट्रोल करता है। बहुत अच्छी चीज़ है ये। आपको अपनी डाइट में, मतलब सबको अपनी डाइट में ये ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। ये आपके बॉडी पे बहुत अच्छे इफेक्ट्स लाता है। आपकी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन को भी दूर करेगा। अगर किसी को स्किन इन्फेक्शन है तो ये उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अब जैसे बारिश का टाइम आने वाला है तो हमारे ज़्यादातर क्या होता है, टो में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, हमारे स्किन पे इन्फेक्शन होने लगते हैं। तो इसको आप डायरेक्टली इसमें ना थोड़ा सा कॉटन डुबो और आप उसके इन्फेक्शन की जगह पे उसको रख दीजिए, उससे साफ करिए। तो ये क्या करेगा, ये आपके बॉडी के इन्फेक्शन को दूर करेगा। जो भी आपके टो में फंगल इन्फेक्शन हो गया, पैर में कहीं पे इन्फेक्शन हो गया, स्किन पे एक्ने हो गया है, तो इसको आप डुबाकर डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ये आपकी स्किन को तो क्लियर करेगा ही। अगर आप इंटरनली इसको लेंगे, पानी के साथ लेंगे, तो ये आपकी इंटरनल अंदर से आपकी स्किन को क्लियर करेगा। आप देख सकते हो मेरी पुरानी फोटोज, मेरी स्किन कैसी थी और अब मेरी स्किन कैसी है। मैं इसको पिछले 7 महीने से यूज कर रही हूँ और 7 महीने के बाद मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ। मैंने इसकी 4 बॉटल्स यूज़ की हैं। ये लगभग मेरा 1.5 से 2 महीने चल जाता है आराम से, अगर आप 1 चम्मच 1 टीस्पून लेते हैं तो। मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, या आप मुझसे पूछें कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आए, मेरी तो सबसे पहली चीज़ तो मेरा फैट कम हुआ है, जो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बट इसके सहारे लगभग 30% बहुत इसने मेरी हेल्प की, मेरी वेट लॉस। वायरस बहुत ज़्यादा ज़ोर पे है, जो हम सामान लाते हैं, ग्रोसरीज आते हैं, उसको डिसइंफेक्ट करते हैं, तो ये एप्पल साइडर भी ज़रूर यूज़ कीजिए। उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए एक बड़ा बर्तन लीजिए, उसमें पानी भरिए और 3-4 ढक्कन एप्पल साइडर विनेगर के डाल दीजिए, अपनी सब्ज़ी डालिए, 5 मिनट के लिए उसको छोड़ दो आप। फिर उसको वॉश करके साफ पानी से लगभग 20 सेकेंड तक धोइए, तो वो आपके वेजिटेबल्स को डिसइंफेक्ट कर दे। इसको आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सैलड बना रहे हो तो आप उसको 1 चम्मच उसमें डाल सकते हो, और आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग तो पीना ही है इसको सुबह उठ के। दूसरी चीज़, अगर आप गीला अचार बना रहे हो पानी वाला, तो आप उसमें भी एज अ प्रिजर्वेटिव इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप कुछ भी खाने में इसको डाल सकते हो। बहुत मतलब इसका अगर टेस्ट की हम बात करें तो टेस्ट थोड़ा इसका सौर है, थोड़ा खट्टा है, बट अगर आपको बॉडी में चेंजेस चाहिए, बॉडी में फ़ायदा चाहिए, तो आपको इतनी चीज़ तो इग्नोर करनी ही पड़ेगी। अच्छा, ये हमारे ना टीथ को भी थोड़ा सा येलोइश कर देता है, तो अगर आप चाहो तो इसको स्ट्रॉ डाल के पी सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी फैट कटर ड्रिंक हमें कैसे बनानी है। हमें 1 ग्लास पानी लेना है, उसमें छोटा सा अदरक का टुकड़ा कुचल के डालना है, उसको बॉईल करना है जब तक उसका पानी का जो कलर है हल्का सा येलोइश ना हो जाए। उसके बाद आपको 1.5 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालना है और 1/2 चम्मच उसमें आपको हनी डालना है। मिक्स करके आप उसको सुबह अर्ली मॉर्निंग लीजिए, एम्प्टी स्टमक। वो आपका फैट कटर ड्रिंक है। बहुत अच्छा, बहुत फ़ायदेमंद। मैं तो ऐसे ही लेती हूँ और मेरे बॉडी पे बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है 22 मार्च से लेके अब तक, मैंने लगभग 6.5 किलो वज़न कम किया है अपने घर की डाइट से, एप्पल साइडर विनेगर से, और भी बहुत सारी छोटे छोटे अपने डाइट्स में चेंजेस ला के बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है मेरे बॉडी में। अच्छा, किसी किसी को है ना एप्पल साइडर विनेगर लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके टॉन्सल्स में किसी किसी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है खटास से। इनफैक्ट कोई कोई तो गर्म पानी पीने में भी उनको वॉमिटिंग होती है। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, हम एप्पल साइडर का कैप्सूल्स ले सकते हैं। ये कैप्सूल्स में भी आता है, ये ऐसे दिखता है, ये
एप्पल साइडर विनेगर का ये पाउडर है इसके अंदर, आप इसको ले सकते हैं कैप्सूल्स में, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ये ले सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है अगर आपको यूज़ करना है तो। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, साइड में जो बेल आइकन है टिंग 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 उसको प्रेस करना ना भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था वीडियो शूट करने का, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है दो दिन से, मुझे बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही हूँ मैं, मेरे है ना बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन हो रहा है, इसकी वजह से मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है इस वजह से थोड़ी तबीयत नासाज हो रही है, बट इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। मैं नई रेसिपीज़ लाऊंगी और एक्सरसाइज भी करूंगी डेली। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ फ्रेंच बीन्स, आलू और शिमला मिर्च की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको खाकर मैंने अपना वेट लूज़ किया है। ये बहुत ईजिली बन जाती है, बहुत कम चीज़ें लगती हैं, ये 8 to 10 मिनट्स में बन जाती है। चलिए हम रेसिपी चेकआउट करते हैं मैंने कैसे बना। वेजिटेबल्स बनाने के लिए हमें चाहिए ऑलिव ऑयल या देसी घी, 100 ग्राम फ्रेंच बीन्स, एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च, एक मीडियम साइज़ का आलू, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, धनिया, हल्दी, नमक, ज़ीरा और हींग, साथ में मैंने हरी मिर्ची, हरा धनिया भी ली हूँ, और मैं इसमें प्याज लेना भूल गई थी, वो मैं बाद में ले रही हूँ। आलू को पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। वेजिटेबल्स में मैं जब भी आलू डालती हूँ पहले उसको मैं एक बार बॉईल कर लेती हूँ और उसका स्टार्च निकाल देती हूँ, फिर वो मुझे इतना नुकसान नहीं देता। आलू मुझे थोड़े अच्छे लगते हैं इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ आलू डालना वेजिटेबल में, बट हमें हमेशा बॉईल करके ही डालना चाहिए आलू। खाना बनाने के लिए ज़्यादातर मैं आयरन की कढ़ाई का यूज़ करती हूँ। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब इसमें हम 2 teaspoon ऑलिव ऑयल डालेंगे, इसमें हम देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल गर्म होने पे हम इसमें ज़ीरा और हींग डाल देंगे और अच्छे से गर्म होने देंगे। ज़ीरा लाल होने पे अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और अच्छे से लाल होने देंगे। प्याज को हम अच्छी तरीके से लाल कर लेंगे। जब प्याज अच्छी तरीके से लाल हो जाए तो इसमें हम सारे सूखे मसाले डाल के वो मसाला अच्छे से भूनेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के भूनेंगे। जब तक हमारा तेल सेपरेट नहीं हो जाए मसाले से तब तक हमें ये मसाले को भूनते रहना है, इसमें बिल्कुल भी कच्ची स्मेल नहीं आनी चाहिए। मसाला हम अच्छे से भून लेंगे, फिर इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर लेंगे जो हमने पहले से ही वॉश कर रखे हैं। अब हम इसको हमें अच्छे से भूनना है और इसमें जो कच्चापन है जितना भी वो सब निकल जाएगा। हम इसमें अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे जो हमने पहले से ही बॉईल कर रखे थे, और अब इसको अच्छे से भूनना है जब तक मसाला आलू को नहीं चिपक जाए और इसका पानी कम नहीं हो जाए, खुशक नहीं हो जाए, जब तक हमें भूनना है। अब हम इसको ढक के रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए और इसको स्लो आंच पे पकाएंगे। फिर 2 से 3 मिनट के बाद हमें इसको खोल के देखना है ये गल गए हैं या नहीं, और फिर इसको अच्छे से भूनना है और तब तक भूनना है जब तक इसका जो पानी है खुशक नहीं हो जाए, इसमें से ये ड्राई नहीं हो जाए। मुझे ये ड्राई खाना अच्छा लगता है। फिर हम इसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छे से भूनेंगे। ये जितनी दिखने में अच्छी है उतनी ही खाने में टेस्टी है, इसको आपको ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए। इसको आप एक बार ट्राई करोगे तो दोबारा ज़रूर खाओगे। खाने में भी ये बहुत टेस्टी है, मैं भी इसको अपनी डाइट में लेती हूँ। इसमें बहुत सारा फाइबर होता है और इससे हमारा वेट भी लूज़ होता है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको और रेसिपीज़ चाहिए जो मैं खाती हूँ आपके साथ शेयर करूँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बैंगन की सब्ज़ी बनाना बताऊंगी जो मैं अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान खाती हूँ। ये बहुत टेस्टी रेसिपी है, इसमें बहुत कम तेल लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। इसमें मैंने एक टमाटर लिया है, एक प्याज ली है चॉप करके और कुछ हरी मिर्ची, साथ में मैंने इसमें लिया है हल्दी, धनिया, हींग और थोड़ा नमक। बैगन को मैंने काट कर वॉश करके पानी में भिगो दिया है ताकि ये काले ना पड़े। इसकी सब्ज़ी बनाने के लिए मैं ऑलिव ऑयल का यूज़ करूँगी, ये बहुत हेल्दी होता है। अभी मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, उसमें मैंने हरी मिर्च डाल दी है जो बीच में से कटी हुई है। जब ये थोड़ी फूटने से लगे तो इसमें हम बैगन डाल देंगे और उसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। बैगन जब थोड़े कलर चेंज करने लगेंगे तो हम इसमें टमाटर और प्याज डाल देंगे, उसको भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। हमें बीच बीच में बार बार चलाना है ताकि वो नीचे से जले ना। अब थोड़ा बैगन कलर चेंज करने लगा है तो इसको ढक देंगे हम। ढक के फिर हम उसको खोलकर 5 मिनट बाद इसमें मसाले मिक्स करके, थोड़ा पानी मिक्स करके और फिर हम इसको भून लेंगे और फिर इसको थोड़ा ढक के रख देंगे। जब ऐसे लगने लगे आपको कि थोड़ा ये गलने लगा है तो आप इसको मैश कर लें। अगर आपको साबुत खाना पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, बट मैं इसको दही के साथ खाना प्रेफर करती हूँ, पसंद करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है दही के साथ खाना। आप इसको मैश कर लेना अपने चम्मच से और
ये जितना भी, मतलब अगर गले नहीं तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं और नमक भी आप अपने अकॉर्डिंग ही ले सकते हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि जितना नमक मैंने बताया है उतना ही लेना है या जितना पानी मैंने बताया है उतना ही लेना है। हर किसी को खाना बनाना आता है तो थोड़ा 19-20 चेंज आप खुद अपने पास से कर सकते हैं। अच्छा, मैंने अभी इसमें देखिए अच्छे से इसको है ना पूरा घोट लिया है। इसका पानी जो है वो मैंने बिल्कुल सुखा लिया है, और इसको जितना पानी इसका सुखाएंगे ना ये उतना टेस्टी बनेगा, उतना अच्छा बनेगा। मेरी सब्जी अब ये रेडी हो गई है। अब मैंने ये सब्जी एक बाउल में खाली कर ली है। ये खाने में बहुत टेस्टी है, आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिए, दही के साथ ऐड करके खाइए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। टिल देन बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डाइट एंड फिटनेस इंस्ट्रक्शन, शहजाद हियर। फ्रेंड्स, अक्सर मेरे पास क्वेरीज आती रहती हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को लेकर, ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स को लेकर, जो कि हमें मोस्टली फिश ऑयल से मिलता है और कुछ हमें प्लांट बेस्ड भी मिल जाता है। तो मोस्टली लोग ये पूछते हैं कि ओमेगा 3 हम लोग ले सकते हैं या नहीं, ये कितना सेफ़ है, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, अगर कोई दूसरा मेडिकेशन चल रहा है तो उसके साथ में हम इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो इसी को लेकर आज ये वीडियो हमारी पूरी की पूरी बेस्ड है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ओमेगा 3 क्या चीज़ है। ये एक हमारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट है और ये हमारी बॉडी कभी खुद नहीं बना सकती है, तो ये हमें एक्सटर्नली लेना होता है, और ये कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट होने के नाते हमें कंज्यूम करना कंपलसरी है। ये हमारे बॉडी को स्मूथली वर्क करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि इसके पार्ट्स क्या होते हैं। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, वो होता है DHA, EPA एंड ALA। सो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं DHA और EPA। ALA भी हमारे प्लांट बेस्ड सोर्स से मिल सकता है, लेकिन ALA का कुछ पार्ट DHA और EPA में ही जाकर कन्वर्ट होता है हमारी बॉडी में। सो DHA EPA के फॉर्म में जब हम इसको कंज्यूम करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है हम लोगों के लिए। तो अब मैं बताता हूँ कि इसके सबसे ज़्यादा फ़ायदे क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये हार्ट अटैक को प्रिवेंट करता है। हार्ट अटैक को ये किस तरीके से प्रिवेंट करता है कि एक तो जो हार्ट की हमारी रिदम रहती है, तो हार्ट के रिदम को ये मेंटेन करता है, और साथ ही साथ जो प्लाक बिल्डअप होता है हमारे आर्टरीज़ में उसको भी ये कम करता है। सेकेंडली, ये स्ट्रोक, क्योंकि हमारा ये प्लाक बनने से रोकता है और जो एग्जिस्टिंग प्लाक है उसको भी कम करता है, तो ये स्ट्रोक को भी प्रिवेंट करता है। ब्लड प्रेशर को कम करता है ये, क्योंकि ये हमारे कम करता है, तो इसी से काफ़ी ज़्यादा जो बीमारियाँ ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई होती हैं, हाइपरटेंशन वगैरह, तो वो भी रिड्यूस होती हैं। साथ ही साथ ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जो हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड लेवल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। कोलेस्ट्रॉल के भी 3 पार्ट्स होते हैं, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और तीसरा होता है ट्राइग्लिसराइड। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन वो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, वो जितने ज़्यादा होते हैं वो अच्छा रहता है। लो डेंसिटी थोड़ा सा नुकसान पहुँचाते हैं, और ट्राइग्लिसराइड बेसिकली एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो कि प्लाक जनरेट करता है हमारे आर्टरीज़ में, जो अल्टीमेटली आर्टरीज़ को ब्लॉक कर देता है काफ़ी टाइम तक। तो ओमेगा 3 जब हम कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हैं तो ये उस प्लाक बिल्डअप को भी कम करता है, और साथ ही साथ जो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हैं उसको भी कम करता है। ये साथ में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। गाउट की जो बीमारी कहते हैं हम लोग, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये बॉडी में जो इंटरनल इन्फ्लेमेशंस होती हैं, एक्चुअली हमारी बॉडी जब किसी भी बीमारी से लड़ती है तो वो थोड़ी सी इन्फ्लेम हो जाती है। आपने देखा होगा कभी कभी चोट लगती है तो सबसे पहले सूजन आती है, तो वो सूजन इज़ द फॉर्म के जो हमारी बॉडी उस बीमारी से या उस प्रॉब्लम से, उस इशू से लड़ती है, तभी उसमें स्वेलिंग आती है। तो ये कुछ हद तक कभी कभी हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, लेकिन मोस्टली जब ये प्रोलॉन्ग्ड रहती है, काफ़ी वक्त तक हमारी बॉडी में रहती है, तो ये स्वेलिंग जो है ये हमारे लिए नुकसानदेह होती है। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है हमारी जो इंटरनल स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, उसको कम करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा उसके लिए बेनिफिशियल है। अच्छा, ये हमें क्यों कंज्यूम करना चाहिए? नॉर्मली जो हम प्रोसेस्ड ऑयल्स लेते हैं, तेल वगैरह हमारे हम लोग खाने में होता है, तो उसमें ओमेगा 6 काफ़ी ज़्यादा हमारा कंज्यूम हो जाता है। ओमेगा 6 बॉडी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, और ओमेगा 6 को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं उसको कम करने के लिए, हमें ओमेगा 3 कंज्यूम करना होता है, जो कि हमें एक्सटर्नल सोर्स से ही कंज्यूम करना है, हमारी बॉडी उसे नहीं बना सकती है। तो इस वजह से हमें एक बॉडी में जो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए भी ओमेगा 3 हमें कंज्यूम करना ज़रूरी है। ये हम फिश से भी कंज्यूम कर सकते हैं। मोस्टली जो
रिकमेंडेड डोसेज है इसकी कि आपको हफ्ते में 2 बार फिश ज़रूर कंज्यूम करनी चाहिए। इनकेस अगर आप फिश कंज्यूम नहीं कर सकते हैं तो आप इसका सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। फ़िश ऑयल कैप्सूल्स काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल हैं और आप एक कैप्सूल डेली आप ले सकते हैं तो आपकी जो इसकी रिक्वायरमेंट है ओमेगा 3 की वो उससे पूरी हो जाती है। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। वैसे इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं क्योंकि ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है और कोई दवाई वगैरह नहीं है ये, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बताता हूँ जो आपको इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। सबसे पहले तो बेड ब्रेथ की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जब आप एक फ़िश ऑयल कंज्यूम करते हैं वो डाइजेस्ट होगा तो ऑब्वियसली थोड़ी सी तो खैर स्मेल उसमें आएगी ही। इसका कुछ आपका आफ्टर टेस्ट भी रह सकता है। आफ्टर टेस्ट के साथ साथ अगर ये आप ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो लूज़ स्टूल्स या लूज़ मोशन जिसको हम कहते हैं वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसके बेनिफिट्स के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसका इंटरेक्शन मतलब कि ये किस दवाई के साथ या प्रेजेंटली किसी की कोई मेडिकेशन चल रही है तो किस चीज़ के साथ ये नुकसान दे सकता है या हमें उसके साथ इसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। जिन लोगों की ऑलरेडी हाइपरटेंशन की दवाई चल रही है, दैट मीन्स ब्लड प्रेशर को लो करने की दवाई चल रही है, तो जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको कि जो ओमेगा 3 है ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, तो वो लोग इससे थोड़ा सा अवॉइड करें या आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं इसको लेने से पहले, क्योंकि ये जब दो चीज़ें एक साथ बीपी लो करेंगी तो आपका बीपी लो भी हो सकता है। सेकेंडली, जो लोग ब्लड थिनिंग एजेंट्स ले रहे हैं, ब्लड थिनिंग जैसे कि किसी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या जिसका सपोज एस्पिरिन पर है कोई, तो एस्पिरिन के साथ इसको आप नहीं ले सकते हैं या इसको बहुत ही मॉडरेट क्वांटिटी में आप ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ें ब्लड को थिन करती हैं और इंसान वेट लॉस मेडिकेशन ले रहा है तो वेट लॉस मेडिकेशन के साथ इसको आप कंज्यूम करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ओमेगा 3, हमारे हेयर्स के लिए, हमारी स्किन के लिए फ़ायदेमंद है, हमारी बोन्स के लिए फ़ायदेमंद है। सो प्लीज़ आप अपने डाइट में इसको ज़रूर इंक्लूड कीजिए और कभी भी आप ये ना सोचें कि ये कोई नुकसान देने वाली चीज़ है या ये कोई दवाई है। बेसिकली ये एक हमारी बॉडी की असेंशियल रिक्वायरमेंट है जो कि हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए कंपलसरी है हम लोगों को लेना। अब आप इसको किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, अगर आप दवाई से बचना चाह रहे हैं तो आप इसको नेचुरल फॉर्म में ले सकते हैं, आप इसको फिश ले सकते हैं हफ्ते में 2 बार। ये हमारा कुछ वेज सोर्सेज से भी आ सकता है जैसे फ्लैक्स सीड वगैरह, लेकिन उसमें मैं आपको बताऊं कि फ्लैक्स सीड में ALA ज़्यादा होता है, उसमें DHA नहीं होता है, तो ALA बाद में बॉडी में जाके DHA EPA में कन्वर्ट होता है। सो उसके लिए हमें ALA की काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करनी पड़ेगी और उससे हमारा स्टमक अपसेट या और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो बेटर ये है कि आप इसको नेचुरल सोर्स फिश या फिर आप इसको सप्लीमेंटेशन के थ्रू फिश ऑयल कैप्सूल से ही लें। सो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों को रहती है फ़िश ऑयल के बारे में तो उन लोगों को भी इसमें हेल्प मिलेगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और आगे भी नई वीडियोज़ आने वाली हैं काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सजेशन भी दे सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक पे या किसी भी हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में आपको जानना है डिटेल में, तो आप अपनी क्वेरीज जो है मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी अपनी वीडियो बनाऊँ। सो थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेरी मच वेलकम टू अवर चैनल डाइट एंड फिटनेस जंक्शन। आज मैं आपके साथ फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको आप लेफ्ट ओवर राइस में भी बना सकते हैं। मैंने एक पैन में देसी घी डाल दिया हुआ है 2 चम्मच। अब मैं इसमें पिसा हुआ लहसुन डालूंगी, आप चाहें तो इसमें कटा हुआ भी लहसुन डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच लहसुन यूज किया हुआ है, और जब ये लहसुन अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो इसमें मैं स्प्रिंग अनियन का जो प्याज वाला अनियन वाला पार्ट होता है वो डालूंगी और लीफ वाला छोड़ दूंगी बाद में डालने के लिए। इसको हमें अच्छे से रेड कर लेना है, जब तक ये थोड़ा गला गला सा नहीं हो जाए तो हम इसको भून लेंगे।
अभी अच्छी तरीके से रेड हो गया है तो मैं इसमें सारे वेजिटेबल्स ऐड कर दूंगी। वेजिटेबल्स में मैंने ब्रोकली ली है, बीन्स लिए हुए हैं, कैरेट्स लिए हैं, बेबी कॉर्न है, पेपर बेल है और कैप्सिकम है। जो भी वेजिटेबल्स आप लेने चाहो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। वेजिटेबल्स को अब हम अच्छे से चला लेंगे। अच्छा, ध्यान रखना है हमें कि वेजिटेबल्स ज़्यादा गले गलना नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा गले गले से हो जाएंगे ना तो वो खाने में इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, थोड़े क्रंची क्रंची रहने चाहिए खाने में। अब मैं इसमें ना ग्रीन चिल्ली सॉस ऐड करूँगी। इसमें मैं लगभग 1.5 से 2 चम्मच ग्रीन चिली सॉस यूज़ करूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक, जैसे आप मिर्ची खाते हो आप वैसे ऐड कर सकते हो। अब मैं इसमें 1 से 2 टीस्पून सोया सॉस ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग ऐड कर सकते हैं, मैं तो ऐड कर लेती हूँ, थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डाल सकते हो, नहीं डालना है तो कोई बात नहीं है। अब हम इसमें पिसा हुआ ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। अब मैं इसमें 1 टीस्पून विनेगर ऐड करूँगी। ये मैंने सिंथेटिक विनेगर यूज़ किया है और इसको अच्छे से अब वेजिटेबल्स को है ना पका लेना है। थोड़े क्रंची रहना चाहिए, ज़्यादा पके हुए नहीं रहना चाहिए, इसीलिए आप है ना ध्यान रखना कि ज़्यादा पकने नहीं चाहिए। ये फटाफट ऐड करना है ये, और जल्दी जल्दी पकाना है इसको। अब मैंने पहले से जो बॉईल करके राइस रखे थे वो मैं इसमें ऐड करूँगी। आप इसमें चाहें तो लेफ़्ट ओवर राइस भी यूज़ करके इसको बना सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, कम वेस्टेज रहेगी और ज़्यादा वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं तो फुल ऑफ फाइबर रहेगा, हेल्दी भी रहेगा वो। अब मैंने इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। अब मेरा फ्राइड राइस रेडी है। मैं इसमें थोड़े से स्प्रिंग अनियंस डालूंगी और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको हमें गरम गरम ही खाना चाहिए, बहुत टेस्टी लगता है। प्लीज़ मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए एक बार घर पे और मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, और मैं मिलती हूँ आपको अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डाइट एंड फिटनेस जंक्शन। आज मैं आपके साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने 1.5 किलो गाजर यूज़ की है। इसमें 150 ग्राम शुगर यूज़ किया है और 1 ग्लास दूध का यूज़ किया है, थोड़ा सा लगभग 50 ग्राम खोया यूज़ किया है और 50 ml मैंने इसमें घी यूज़ किया हुआ है और थोड़े ड्राई फ्रूट। गाजर का हलवा बनाने के लिए हम लोगों को एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल लेना है और इसमें मैं छोटी इलायची जो मैंने कूट ली है वो मैं डालूंगी इसमें। जब ये छोटी इलायची फूटने लगे तो इसमें मैंने जो श्रेड करके गाजर रखी हुई है वो मैं इसमें घी में मिक्स कर दूंगी। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ तो मैं खाती भी होंगी। यस ऑफ कोर्स, मैं खाती हूँ गाजर का हलवा। 15 दिन में एक बार खाना बनता है, क्योंकि अगर हमको परमानेंट वेट लूज करना है तो हमें जितने भी हमारी जो हैबिट्स है वो ऐसी रखनी है कि हम आगे तक उसको लेके चलें।
अब मैंने घी में पूरा गाजर ऐड कर लिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके और इसको 5 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी पकने के लिए। अच्छा, ध्यान रखना है कि ये स्लो आंच पे पके, क्योंकि अगर हम फास्ट रखेंगे गैस तो ये नीचे से जलने लगेगा। 5 मिनट बाद अब मैं इसको चेक करूंगी कि ये गल गया है या नहीं। ये गल चुका है और मैं इसको अच्छे से भून लूंगी। भूनने में अच्छा हमें ये देखना है कि ये अपना जो घी है वो सेपरेट कर दे। अगर घी सेपरेट हो गया है तो समझ लीजिए ये अच्छे से पक गया है। अब मैं इसमें दूध ऐड करूंगी इसको और पकाने के लिए, और स्लो आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। हमें हलवे को बार बार चलाते रहना है और चेक करते रहना है कि ये जल ना जाए, और हमको कोशिश करना है कि हम स्लो आंच पे ही इसे पकाएं। अच्छा, बहुत लोगों के माइंड में ये सवाल होगा कि जब हम वेट लूज कर रहे हैं तो हम मीठा क्यों खाएं या गाजर का हलवा क्यों खाएं। तो हम गाजर का हलवा खा सकते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर हमको परमानेंट वेट लूज करना है तो हमें ये सारी चीज़ें छोड़नी नहीं है, अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। ये नहीं रोज़ रोज़ खाना है, हफ्ते में एक बार खा सकते हैं। कैलरी सरप्लस नहीं होना चाहिए बस। अब मैं इसमें शक्कर ऐड करूंगी और शक्कर को भी अच्छे से पकने दूंगी। और जब हम शक्कर ऐड करेंगे तो इसमें याद रखना है इसको हमको है ना बार बार चलाते रहना है, नहीं तो ये जल जाएगा। अब शुगर भी अच्छे से मेल्ट होके पक चुकी है और इसमें से घी भी सेपरेट हो गया है, तो मैं इसमें खोया मिक्स करूंगी और इसको अच्छे से चलाना है जब तक ये भी मेल्ट होके इसमें मिक्स ना हो जाए। बेसिकली जो हमारा वेट गेन होता है वो मीठा खाने से नहीं होता है। हम गाजर का हलवा खा रहे हैं, ये तो फुल ऑफ विटामिन ए है, तो हमको कैलरी सरप्लस नहीं करना है। अगर हम कैलरी सरप्लस करेंगे तो डेफिनेटली हमारा वेट गेन हो जाएगा। यू नो व्हाट, मेरा फंडा क्या है, मैं कभी भी ये ना अपना मन नहीं मारती, खा लो और जिम में जाके दुगनी एक्सरसाइज कर लो, डबल एक्सरसाइज करो। आप कितना मस्त लग रहा है ना देखने में, खाने में भी ये इतना ही टेस्टी है। अच्छा, ये एक बार जब पक जाएगा अच्छे से तो इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड करूंगी और इसको अच्छे से एक बार और भून लूंगी जब तक इसका घी सेपरेट ना हो जाए। छोटी सी तो लाइफ है यार, हेल्दी खाना सीखो, हेल्दी रहना सीखो और अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ और कोशिश करो कि कम से कम दिन में 1 घंटा एक्सरसाइज करो। अगर आप ये चीज़ अपनी डाइट में अपने दिन में इंक्लूड करते हैं तो वाकई में मैं आपको बता रही हूँ आपका जो लाइफस्टाइल है बहुत चेंज आ जाएगा। आपके बॉडी में, आपके सोचने के पावर में, हर चीज़ में इतना चेंज आएगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप खुद एक्टिव महसूस करेंगे अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो। आप अपने आप को जितना हो सके बिजी रखो, जितना बिजी रखोगे उतना ही आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी। और अभी मेरा हलवा रेडी है खाने के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है टिंग 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 उसको प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको मेरे नए अपडेट्स वीडियो के मिलते रहेंगे अगर आप ये बेल आइकन को प्रेस करेंगे। वाओ, व्हाट अ हलवा, मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी लालच आ रही है। चलिए मैं इसको खा के फिर आपसे मिलती हूँ। बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल डाइट एंड फिटनेस जंक्शन। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक चीज़ की रेसिपी बताने वाला हूँ जो कि एक बहुत कॉमन यूज़ होने वाली चीज़ है। जितने भी हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं वो उसको यूज़ करते हैं। बेसिकली ये रेसिपी जो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ज़्यादा महंगा पीनट बटर अफोर्ड नहीं कर सकते। सो आज आपको बताऊँगा कि पीनट बटर आप लोग घर पर बना सकते हैं, बहुत ईजिली बना सकते हैं, और वो सिर्फ 1 से 1.5 मिनट लेता है बनने में, और इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो आपको पता ही हैं। सो आइए फिर देखते हैं कि पीनट बटर आप कैसे बना सकते हैं घर पर। सो फ्रेंड्स, पीनट बटर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं रोस्टेड पीनट्स। ये मार्केट में रेडीली अवेलेबल होते हैं और मैं इनको मार्केट से करीब 80 रुपीज़ में 500 ग्राम्स लेकर आया था।
यहाँ बटर बनाने के लिए मैंने सिर्फ एक कप ही पीनट यूज़ किए हुए हैं। एक कप पीनट में आपको लगभग एक चुटकी, दैट मीन्स स्मॉल टीस्पून आपको इसमें सॉल्ट डालना है, नॉर्मल सॉल्ट, और इसको आपको ग्राइंड करना है लो स्पीड पर। मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड आपको इसको ग्राइंड करना है और फिर इसको दोबारा से ओपन कर देखना है। तो इसमें ऑयल निकलने लगता है, ये थोड़ा स्टिकी हो जाता है और ग्राइंडर पर साइड में चिपक जाता है, तो आपको सिर्फ स्पून से इसको साइड से छुटाकर वापस ब्लेड के ऊपर डालना होता है। ऐसा आपको 2 से 3 बार करना होगा। एंड फाइनली विद इन 1 मिनट आपका पीनट बटर बिल्कुल रेडी होगा। ये ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी एडिटिव या प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई पाम ऑयल नहीं है, और आप इसको घर पर बहुत सस्ते कॉस्ट पर आप बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी देगा आपको। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको आगे भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल डाइट एंड फिटनेस जंक्शन। आज मैं आपके साथ हेल्दी सूप की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत हेल्दी है और इसे पीने के बाद थोड़ी ठंड भी कम लगती है हमें। चलिए हम रेसिपी चेकआउट करते हैं। एक पैन में मैंने 3 ग्लास पानी ले लिया है। इसमें मैं गाजर, टमाटर और बीटरूट डालूंगी। टमाटर को हमें बीच में से कट लगाना है, एक कि जब वो बॉईल हो जाए तो उसका छिलका हम उतार सके। मैं इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट ऐड करूंगी और फिर इसको मैं अच्छा सा स्टेयर देके इसको मैं बॉईल करने के लिए छोड़ दूंगी। एक बार जब ये बॉईल हो जाएगा अच्छे से तो मैं इसके टमाटर के ऊपर का जो छिलका है वो निकाल के फेंक दूंगी। इससे थोड़ा जब हम इसको मैश करेंगे तो ये छिलके जो है वो मुंह में नहीं आएंगे, अच्छे से टमाटर मैश हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लूंगी। आप इसको मिक्सी में भी चला सकते हैं ताकि ये बहुत बारीक हो जाए, नहीं तो मुंह में आएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा उसका टेस्ट नहीं आएगा। तो इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है हमें। अब मैं इसमें हनी डालूंगी, 1 चम्मच हनी काफी है। अगर आप थोड़ा और मीठा करना चाहते हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और शहद इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें जो स्टीम किया हुआ वेजिटेबल्स है वो ऐड करूंगी। आप अपनी पसंद से कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, ब्रोकली, मटर, जो भी आपको पसंद हो वो ऐड कर लो और इसको अच्छी तरीके से पका लो जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। ये हमारा हेल्दी एंड टेस्टी सूप रेडी है पीने के लिए। विंटर्स में तो इसको पीकर मैं आपको बता नहीं सकती कितना अच्छा लगता है। प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये आप अगर इसको खाने से पहले लेंगे तो डेफिनेटली आप अपना जो मील है वो थोड़ा कम ही लेंगे, खाना थोड़ा कम ही खाएंगे। तो प्लीज़ इसको आप ट्राई कीजिए एक बार और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉच। चीला बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मूंग की दाल, 1 छोटा प्याज, 1 छोटा टमाटर, आधी शिमला मिर्च, और इन सबको हम बारीक बारीक काट लेंगे। आप इसमें चाहें तो अपनी मनपसंद वेजीज कोई भी डाल सकते हैं, बट मैं प्याज टमाटर डालना प्रेफर करती हूँ और कैप्सिकम डालना, बहुत अच्छा और टेस्टी बनता है। बहुत हेल्दी और बहुत लाइट डिश है ये। आप इसको ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो, लंच में भी ले सकते हो और डिनर में भी ले सकते हो, कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो उसका। इसमें जो मैं मसाले यूज़ कर रही हूँ उसमें नमक, हींग, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च है। आप चाहे तो मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं।
चीला बनाने के लिए मैंने एक कप मूंग की दाल भिगो के रखी थी। अब मैं इसको पीसूंगी। इसको हमें बिल्कुल बारीक ग्राइंड करना है। इसमें जितने भी सूखे मसाले हैं वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। साथ ही में इसमें हम अदरक का एक टुकड़ा डाल देंगे और हरी मिर्ची डाल देंगे। इसका अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे और इसको अच्छे से पीसेंगे। अगर हमें इसको अर्जेंट में बनाना है तो हमें इसको गर्म पानी में भिगो के रखनी चाहिए। वैसे अगर हम 2 घंटे इसको भिगोते हैं तो ये इनफ है इसको बनाने के लिए। अब मैं इसमें जितने भी मसाले हैं मैंने वो तो ऐड कर दिए थे। अब मैं इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और शिमला मिर्च जो भी है सब मिक्स करके, लास्ट में हरा धनिया मिक्स करके इसको अच्छा सा स्टेयर दूंगी और साइड में रख दूंगी 5 मिनट के लिए। इसमें मैंने सोडा भी थोड़ा सा मिक्स किया है। हमें बहुत थोड़ा सा सोडा मिक्स करना है और अच्छे से इसको मिक्स करके 10-5 मिनट के लिए छोड़ देना है। आप कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी मिक्स करके भी इसको थोड़ा पतला कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अब मैंने एक नॉनस्टिक तवा गरम कर लिया है। अच्छा, इसमें मैं डायरेक्ट तेल जो डालूंगी उसको ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी, उसको मैं ग्रीस करूंगी तवे को और तेल को जो पोंछ लूंगी। अगर हम डायरेक्ट इसमें ना चीला डाल देंगे, चीले का बैटर, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं बनेगा। इसीलिए मैं ग्रीस करके उसको साफ, तेल को साफ कर देती हूँ पैन पे से। अब मैं एक कलछी इसमें ना चीले का बैटर डाल के अच्छे से फैला दूंगी और इसको ढक के थोड़ी देर रख दूंगी मैं इसको। इसको हम हल्की आंच में पकाएंगे। ऊपर हमें थोड़ा सा अगर तेल चाहे तो हम डाल सकते हैं इसके ऊपर। अच्छा, आप चाहो तो इसमें ऑलिव ऑयल या देसी घी दोनों ही यूज़ कर सकते हो। अब मैंने गैस का फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो कर दिया है और थोड़ी देर इसको छोड़ दिया है पकने के लिए। अब मैं 2 मिनट बाद इसको चेक करूँगी कि ये कैसा बना है। अगर ये नीचे से पक गया है तो मैं इसको फ्लिप करके दूसरी साइड भी इसको पकाऊँगी। अभी मुझे मेरा ये चीला रेडी होता हुआ लग रहा है। अभी मैं इसको फ्लिप करके दूसरी तरफ भी पकाऊंगी और ये रेडी हो जाएगा खाने के लिए। ये बहुत लाइट वेट होता है। इसको खाने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब आपने कुछ ऐसा खाया और पेट भी फुल रहेगा। ऐसे ब्लोटिंग नहीं होती इसको खाने के बाद। और बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच होता है ये, तो बहुत अच्छा रहता है ये हमारे लिए खाने में। देखिए, मेरा चीला बिल्कुल रेडी हो गया है खाने के लिए। दिखने में भी बहुत यमी रहता है ये और खाने में भी बहुत अच्छा होता है। इसको हम बच्चों को भी खिला सकते हैं, उनके लिए भी ये लाइट वेट रहता है। टेस्टी चीला बन के रेडी हो गया है। ये खाने में बहुत यमी होता है। इसमें बहुत कम कैलरीज होती हैं, 120 कैलरीज होती हैं एक चीले में। तो आप इसको 2 से 3 चीला खा सकते हो और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी खाने में। और अब बहुत लाइट वेट होता है, आपके स्टमक को ये बहुत देर तक फुल रखता है। आप चाहो तो बच्चों को भी ये खिला सकते हो, उनके लिए भी ये बहुत लाइट वेट रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। टिल देन, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं आफरीन, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में जिसका नाम है डाइट एंड फिटनेस जंक्शन। अच्छा, आप सबको रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब रमजान आने वाले हैं तो हम अल्लाह की इबादत करेंगे, बहुत सारी नमाजें पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, बहुत दिल से रमजान को मनाएंगे। बट एक चीज है जिसको हम पीछे छोड़ देते हैं रमजान में, वो है हमारी हेल्थ। हर चीज खाते हैं, सहरी में हम पराठे खाते हैं, अफ्तार में हम है ना भजिया, समोसा, ये सारी चीजें खाते हैं, और डिनर में हम बिरयानी लेते हैं। ये सारी बिल्कुल जितनी भी चिकनी चिकनी चीजें होती हैं, चिकनी तली हुनी, वो हम रमजान में खा लेते हैं। इनफैक्ट रमजान शुरू होने से पहले ज्यादातर घरों में ऐसा होता है कि रमजान के 30 दिन है तो 30 दिन का मेन्यू पहले ही बन जाता है। ये रमजान पार्टी होती है,
तो ये सारी चीजें होती है, ज्यादातर लोग करते भी हैं, पर उससे क्या होता है हमारी हेल्थ को बहुत नुकसान देता है। जब रमजान पूरे होते हैं, ईद आती है, तो हम कैसे हो जाते हैं, एकदम मोटू शोटू हो जाते हैं। कपड़े पहनने का सोचो तो कपड़े भी इतने बुरे लगते हैं रमजान में, पूरा फेस पे स्वेलिंग, हाथ पैर पे सब जगह स्वेलिंग हमारे होने लगती है, क्योंकि बहुत ज्यादा बॉडी भी डिहाइड्रेट हो चुकी है, क्योंकि हम उस चीज का ध्यान ही नहीं रखते, पानी भी नहीं पीते ठीक तरीके से जैसे पीना चाहिए हमें, और बस सिर्फ खाने पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है हमारा, और इबादत पे तो डेफिनेटली हमारा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, बट उसके साथ साथ हमें अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। जो रोजे हम हेल्दी रह के पूरे कर सकते हैं, उसको अनहेल्दी तरीके से क्यों पूरे करें। इतनी प्यारी जिंदगी है, अल्लाह ताला ने हमें नवाजी है, तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए ना। इस रमजान हम वेट लॉस करेंगे और इस रमजान को एज अ चैलेंज लेंगे। अच्छा, मैं आपके लिए लाई हूँ रमजान का डाइट प्लान, जिसको आप फॉलो करके आसानी से, अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो 2 से 4 किलो वजन अपना आसानी से घटा लोगे। और मैं भी इस डाइट प्लान को फॉलो करूंगी, मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी उस पे, पूरा एक वीडियो डालूंगी अपना उस डे पे कि अच्छा मैंने जो डाइट प्लान बनाया है रमजान का, इसमें मैं आपको हर चीज का ध्यान रखा है मैंने आपकी, कि आपको कार्ब्स भी मिले, प्रोटीन्स भी मिले, ओमेगा 3 भी मिले, हर चीज का ध्यान रखा है, कि थोड़ा आपको शुगर की भी कमी ना हो बॉडी में, ज्यादा से लेके सैरी तक 10 से 12 ग्लास पानी पीना है। हमें पूरा दिन हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखेगा, हमें डिहाइड्रेशन से बचाए। रोजे के लिए नियत करने जाए तो उससे पहले आप 1 ग्लास पानी से 1-2 चुटकी कलौंजी खाकर और अपना फास्टिंग की दुआ पढ़ के और नियत कर सकते हैं। चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ रमजान का डाइट प्लान। हमने रमजान के डाइट प्लान को 4 मील में डिवाइड किया है। पहला है सहरी, दूसरा है इफ्तार, तीसरा है डिनर, चौथा है बेड टाइम मील। सहरी में सबसे पहले उठकर आपको डिटॉक्स ड्रिंक लेना है, जिसको आप एक दिन पहले रात में ही बना लेंगे। 1 ग्लास पानी में 4-5 पुदीना के पत्ते और 1 दालचीनी की लकड़ी डाल देनी है। फिर सुबह उठ के उसमें या तो आप आधा नींबू निचोड़ लीजिए या 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डाल के पी लीजिए। सहरी में 2 अंडे और 1 कप दही लेना कंपलसरी है। 2 अंडे आप बॉइल्ड या स्क्रैम्बल्ड ले सकते हैं। सहरी में आपको 1 कप दही लेना है, जिससे हमें प्यास भी नहीं लगेगी और गट हेल्थ भी हमारा अच्छा रहेगा, हमें कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहेगा। 1 कप कट में आपको या तो आप भीगे हुए चिया सीड्स डाल सकते हैं या 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स पाउडर भी डाल सकते हैं। सहरी का फर्स्ट ऑप्शन है ओट्स। 1/2 कप ओट्स को 1 कप पानी में ओवरनाइट सोक कर दीजिए। सुबह उठकर ओवरनाइट सोक ओट्स को 1/2 कप पानी और 1/2 कप दूध में बॉईल कर लीजिए। फिर उसमें 5 से 6 भीगे हुए बादाम डाल दीजिए। मिठास के लिए आप 1 टेबलस्पून पीनट बटर भी डाल सकते हैं या फिर गुड़ या हनी भी ऐड कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है दलिया। दलिया को आप थोड़े से पानी में कुक कर लीजिए, फिर उसमें 1 कप दूध डाल लीजिए। मिठास के लिए आप गुड़ या शहद भी डाल सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में आप 1 कटोरी दाल और रोटी भी ले सकते हैं या फिर 150 ग्राम बॉइल्ड राइस भी ले सकते हैं। याद रहे, आपको ओट्स, दलिया या दाल रोटी में से कोई एक ही चीज को सेलेक्ट करना है अपनी सहरी के लिए। सेकेंड मील है हमारा इफ्तार। इफ्तार में आपको सबसे पहले 3 खजूर लेना है, जो कि सुन्नत है, और 1 ग्लास पानी पीना है। फिर आपको 1 बोल सीजनल फ्रूट का लेना है। इफ्तार में आप रूह अफ़ज़ा, रसना, शिकंजी ऐसी कोई भी चीज नहीं ले सकते। अगर ज्यादा मन कर रहा है तो आप शहद की शिकंजी बना के पी सकते हैं। खजूर, पानी और फ्रूट लेने के बाद हमारे पास इफ्तार में बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेने को। पहला ऑप्शन है हम 1 बोल सैलेड ले सकते हैं स्प्राउट की, या 2 बेसन के चीले ले सकते हैं, या 1 कटोरी काले चने की चाट ले सकते हैं, या 1 कटोरी सफेद चने की चाट ले सकते हैं, या हम 1 कटोरी पोहा ले सकते हैं। 2 ब्राउन ब्रेड स्लाइस के हम सैंडविच बना सकते हैं, जिसमें हम एग, चिकन या पनीर की फिलिंग ऐड कर सकते हैं। उसमें हम खीरा और टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। हमें बटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है इसमें। हाँ, हम ग्रीन चटनी यूज़ कर सकते हैं।
खजूर और सीजनल फ्रूट के अलावा हमें कोई एक ऑप्शन लेना है इफ्तार में। इफ्तार के 1 से 1.5 घंटे बाद हमें वर्कआउट करना है। वर्कआउट 30 से 45 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। थर्ड मील हमारा डिनर है, जो हम वर्कआउट करने के 1.5 घंटे बाद करेंगे। डिनर में एक छोटा बोल सैलेड का लेना कंपलसरी है। में आप एक बोल खिचड़ी ले सकते हैं, या दाल चावल ले सकते हैं, या सब्जी रोटी ले सकते हैं, या चिकन रोटी ले सकते हैं। इनमें से कोई एक ऑप्शन पिक कीजिए खाने के लिए। फोर्थ मील है हमारा बेड टाइम मील। उसमें हमें हल्दी वाला दूध लेना है 150 से 200 ml। उम्मीद है आपको मेरा डाइट प्लान पसंद आया होगा, मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इसको फॉलो कीजिए। इसको फॉलो करके आप आसानी से 2 से 4 किलो वजन कम कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप मेरा डाइट प्लान फॉलो करोगे तो आप थोड़ा बहुत चटकारे वाली चीजें नहीं खा सकते हो। अब भाई अपनी जबान को भी थोड़ा चटकारा देना बहुत जरूरी है ना। तो हम हफ्ते में एक बार चीट मील ले सकते हैं, बट इन लिमिटेड क्वांटिटी। बहुत ही कंट्रोल प्रपोर्शन में हमें खाना है, बहुत देखभाल के खाना है। प्लीज मेरा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। साइड में बेल आइकन है, उसको टिक करना भी ना भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अपना ध्यान रखिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल डाइट एंड फिटनेस जंक्शन। आज मैं आपके साथ वेजिटेबल मंचूरियन की रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत हेल्दी वे में बनी। मंचूरियन बनाने के लिए मैंने बंद गोभी, बेबी कॉर्न, शिमला मिर्च और गाजर ली है, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और अब इसमें मैं ब्लैक पेपर ऐड करूंगी। ये पिसा हुआ ब्लैक पेपर मेरे पास ऑलरेडी रखा होता है पहले से। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी पिज्जा सीजनिंग, जो टेस्ट बहुत अच्छा देती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। ऑप्शनल है, ऐड भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा नमक। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी अब लाल मिर्चें। मिर्ची पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, जितना तीखा आप खाते हो। अब इसमें मैं 2 से 3 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डालूंगी। कॉर्नफ्लावर इसको अच्छे से बाइंड करता है, थोड़ा सा इसको ना टाइट रखने में हेल्प करता है। इसमें मैं अब 4 टेबलस्पून मैदा डालूंगी, जो इसको अच्छे से, जब मैं इसको फ्राई करूंगी, वैसे तो मैं इसको शैलो फ्राई करने वाली हूँ, तो बहुत अच्छे से ये इसको बाइंड कर देगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस ऐड करूंगी, सोया सॉस ऐड करूंगी और विनेगर ऐड करूंगी। इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत अच्छा है टेस्ट में ये खाने में। उम्मीद है मुझे शहजाद को अच्छा लगेगा, मेरे हाथ का मंचूरियन उनको बहुत अच्छा लगता है। आज मैंने थोड़ा हेल्दी स्टाइल से बना रही हूँ इसको, मैं इसको फ्राई नहीं कर रही हूँ और शैलो फ्राई करने की कोशिश कर रही हूँ कि जितना कम ऑयल यूज कर सकूँ उतना अच्छा है। अब मैं इसको अच्छे से गूंथ दूंगी और इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लूंगी। हमें पानी थोड़ा कम ही यूज करना है, अगर ज्यादा पानी यूज करेंगे तो वैसे भी वेजिटेबल्स अपना पानी छोड़ता है, तो वो तो उसको अच्छे से जब बाइंड करना है तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही करना है। एक साथ बहुत सारा पानी डालेंगे तो ये बहुत ज्यादा गीला हो जाएगा और बाइंड नहीं हो पाएगा। वैसे तो मंचूरियन को हम डीप फ्राई करते हैं, बट कोशिश कीजिए कि डीप फ्राई खाना अवॉइड करें। इसीलिए मैं इसको अपम पैन में ना शैलो फ्राई करूंगी। बहुत कम देसी घी लगता है और ये मैंने पूरा देसी घी में ही बनाया है इसमें। अच्छा, आप मैदे की जगह है ना, इसमें थोड़ा सा ओट्स भी डाल सकते हैं, ओट्स का पाउडर, तो वो और ज्यादा हेल्दी वर्जन हो जाएगा इसका, बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं इसमें ना थोड़ा सा घी स्प्रेड करके और मैं इसको रख दूंगी ढककर पकने के लिए धीमी आंच पर।
बीच बीच में हमें इसको चेक करते रहना है कि ये जल तो नहीं रहे हैं। वैसे स्लो आंच पे तो ये आहिस्ता आहिस्ता है ना अपनी भाप में ही पकता रहता है। ये अब ये पूरी तरीके से पक गया है तो मैं इसको है ना निकाल लूंगी। अब एक कढ़ाई में देसी घी डाल लेना है और उसमें मैं ना स्प्रिंग अनियन जो आता है वो डालूंगी उसको। वो जब थोड़ा लाल हो जाएगा तो इसमें मैं ना लहसुन ऐड करूंगी। लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं या कटा हुआ लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। लहसुन जब भुन जाए तो मैं इसमें सारे वेजिटेबल्स डाल देती हूँ। इसमें मैं ज्यादातर बीन्स, कैप्सिकम और ब्रोकली डालती हूँ। अब मैं इसमें क्रश्ड ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करूंगी। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से भूनना है हमें जब तक कच्ची स्मेल ना निकल जाए। अब हम इसमें टमाटो सॉस ऐड करेंगे। मैं किसान का टमाटो सॉस ऐड करती हूँ, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। साथ ही मैं सोया सॉस भी डाल दूंगी इसमें। सोया सॉस आपको 1 से 2 टीस्पून लेना है और ऐसे ही आपको अपने टेस्ट के मुताबिक ग्रीन चिली सॉस लेना है, वेनेगर लेना है। वेनेगर आप एक जो उसका ढक्कन होता है वो डाल दीजिए और इसको बहुत अच्छी तरीके से भून लीजिए। और इसमें जो कच्चापन है ना वो नहीं होना चाहिए, इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। फिर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम और इसको भूनने देंगे। इसमें 2 से 3 टीस्पून है ना कॉर्नफ्लावर ऐड करूंगी। इसको मैं पानी में मिक्स करके ऐड करूंगी। हमें याद रखना है कि कॉर्नफ्लावर को हमें डायरेक्टली नहीं डालना है, पानी में मिक्स करके डालना है, नहीं तो लम्स बन जाएंगे। और पानी में भी चेक करना है कि इसमें कुछ गाढ़ तो नहीं है। इसमें आप इसको ना सालन में डालकर जल्दी से चलाना है। अभी मैंने इसमें एक मिस्टेक कर दिया था कि पानी नहीं था और मैंने ऐसे ही डाल दिया। हमें ये नहीं करना है, हमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर है ना वो डालना है कॉर्नफ्लावर का जो सीरप टाइप का जो बन गया है वो। अब इसको अच्छे से मैं पानी डाल के ना इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी पकने के लिए। बीच बीच में आपको चलाते रहना है कि इसमें लम्स ना बने, बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब हम कॉर्नफ्लावर डालते हैं इसमें। तो इसके कच्चेपन की स्मेल खत्म हो जाए तो इसमें हमें मंचूरियन ऐड करना है और इसको थोड़ी देर के लिए पकने देना है। बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे कि थोड़ा ये लगे ना, और जब ये ऐसा लगने लगे कि इसकी कच्चेपन की खत्म हो गई है कॉर्नफ्लावर की, तो हम इसमें ना स्प्रिंग अनियन से गार्निश करेंगे। और ये मेरा मंचूरियन तैयार हो गया। ये बहुत टेस्टी और हेल्दी वर्जन है, प्लीज इसको ट्राई कीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आफरीन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में डाइट एंड फिटनेस जंक्शन। आज मैं आपके साथ ब्लैक चना की सैलड की रेसिपी लाई हूँ। चलिए हम वीडियो चेकआउट करते हैं। सैलड बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 कप बॉइल्ड काला चना, 1 खीरा, थोड़े से टमाटर, थोड़ी सी प्याज कटी हुई, साथ में थोड़े से शिमला मिर्च और 4-5 ऑलिव्स कटे हुए। इन सबको हमें एक बाउल में मिक्स कर लेना है। थोड़े से पुदीना के पत्ते, थोड़ी सी हरा धनिया भी काट के डाल देनी है। एक प्याली में हम 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल लेंगे, उसमें थोड़ा सा क्रश पेपर डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, 2-3 बूंद नींबू की डालेंगे। ये सब मिक्स करके हम सैलड के ऊपर पूरा अच्छे से सैलड को उसमें मिक्स करेंगे और फिर हम इसे अपने लंच में या डिनर में लेंगे। ये बहुत टेस्टी और बहुत इजीली बनने वाली रेसिपी है। बस शर्त है आपके पास ब्लैक चना बॉइल्ड होना चाहिए और इसमें ऑलिव जो है वो कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आप इसमें कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, अपने हिसाब से नमक ज़्यादा कम कर सकते हैं, बट वेट लूज करने के लिए थोड़ा कम ही नमक खाना चाहिए। एंड आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। कम्प्लीटली आपका ओपिनियन है आपको इसमें क्या डालना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना ना भूलिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल डाइट एंड फिटनेस जंक्शन। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे अपने घर पे। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ आप लोगों की ईद कैसे गई। बाय द वे, ईद मुबारक। थोड़ा लेट विश कर रही हूँ मैं आपको। अच्छा, आज मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करूँगी कि मैंने जब अपनी वेट लॉस करना मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल होते थे फ्रूट्स को लेके, कि कौन सा फ्रूट खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, उसमें कितनी कैलोरीज होती है, किस टाइम पे खाऊं मैं फ्रूट्स, और खाली पेट खाऊं या भरे, मतलब भरे
हुए पेट खाऊं, तो बहुत सारे सवाल होते थे मेरे मन में। मैंने सोचा आपके भी माइंड में ऐसे सवाल होंगे, ज़रूर होंगे, अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं। तो मैं आपको इन सब का जवाब देना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़, हमें अपनी वेट लॉस करने के दौरान हमें फ्रूट को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट पे। बहुत कम कैलोरीज होती हैं इनमें और बहुत ज़्यादा फुल रखते हैं ये पेट को। न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बहुत होती है इसके अंदर, इसके अंदर विटामिंस बहुत होते हैं। साथ ही साथ ये हमारे ना स्टमक को बहुत फुल रखता है बहुत कम कैलोरीज में। मतलब हम अगर चिप्स खाएंगे तो उसमें अप्रॉक्स 150 कैलोरीज होती हैं, और वहीं हम अगर एक एप्पल या एक वाटरमेलन तो वो सिर्फ उसमें 50-30 कैलोरीज होती हैं। तो हम अच्छी कैलोरीज की तरफ हमें आगे बढ़ना है घटिया कैलोरीज को छोड़ के, वो हमें कुछ फ़ायदा भी नहीं देगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि फ्रूट्स हमें हमेशा दिन में ही लेना चाहिए, रात को फ्रूट्स लेना अवॉइड करना चाहिए। रात को फ्रूट्स लेने के बाद क्या होता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा भारीपन लगता है, डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होती है और फिर नींद भी नहीं आती है। और हम लोग तो वैसे भी मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं तो रात को तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सोने में। तो फ्रूट को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए रात को लेने में, हमें सुबह लेना चाहिए फ्रूट। जैसे कि हम सुबह उठते हैं, मैं आपको बताती हूँ हमेशा अपने वीडियो में बोलती हूँ कि आप सुबह एम्प्टी स्टमक बनाना लीजिए। मैं इसीलिए बोलती हूँ एम्प्टी स्टमक बनाना लीजिए कि थोड़ा स्वीट क्रेविंग्स कम होगी और वो थोड़ा हेल्दी ऑप्शन भी है। और सब चीज़ों के हम बड़ा मील ले रहे हैं जैसे कि हमारा लंच और डिनर, उससे पहले हम अगर फ्रूट्स लेते हैं तो हमारे वो हमारे पेट को बहुत ज़्यादा फुल रखेगा, पेट भरा हुआ रहेगा, कम कैलोरीज पहुँची हुई होंगी पेट में। साथ ही साथ हम फिर जब लंच और डिनर करने जाएंगे तो हमारा बहुत कम हम खाना खाएंगे, तो वो एक फ़ायदेमंद चीज़ है। फ्रूट्स लेते टाइम हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ज़्यादातर लोग फ्रूट्स लेना अवॉइड करते हैं, जूस लेते हैं, बट नहीं, ऐसा कभी मत कीजिए। ट्राई कीजिए कि आप फ्रूट्स होल फ्रूट ही लेना कि जूस ले। अगर आप होल फ्रूट लेंगे, पूरा फ्रूट लेंगे, एक एप्पल लेंगे ना कि एप्पल का जूस, तो वो आपके बॉडी में फाइबर भी जाएगा उसके साथ, उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू पूरी एब्जॉर्ब होगी और बहुत ज़्यादा आपके स्टमक को वो फुल रखने में भी हेल्प करेगा। अगर आप जूस लोगे तो वो तो फिल्टरेशन हो गई उसमें, जूस अगर आप ले रहे हो तो पूरा जो फाइबर है वो रुक गया और आपने पानी पानी ले लिया, तो इतना फ़ायदेमंद नहीं। गो फॉर होल फ्रूट्स रादर देन जूस। मेरे फेवरेट फ्रूट्स के बहुत लंबी लिस्ट है, मुझे सारे ही फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं, सिर्फ एक कस्टर्ड एप्पल को छोड़ के। पता नहीं क्यों मुझे वो, मैंने कभी खाया ही नहीं, मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता। मुझे अच्छा लगता है वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंजेस, चकोतरा और खरबूजा एंड पपाया। पपाया मेरा फेवरेट हो गया है, मुझे पपाया अच्छा नहीं लगता था बट वेट लॉस जर्नी के दौरान मेरा पपाया फेवरेट हो गया है। अगर मैं रात को मतलब पपाया नहीं खाऊंगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर आजकल मेरा वाटरमेलन फेवरेट है। सीजनल फ्रूट खाना चाहिए ज़्यादातर, लोकल सीजनल फ्रूट जो भी होते हैं वो लीजिए आप, वो आपको हेल्प करेंगे वेट लॉस करने में। तो फ्रूट को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ मैं कौन कौन से फ्रूट्स खाती हूँ, उसके कितनी कैलोरीज होती है, कितनी सर्विंग में लेती हूँ उसकी, और वो क्या क्या फ़ायदा देती है। मेरे फ्रूट लिस्ट में सबसे पहले आता है वाटरमेलन। गर्मी का मौसम बिना तरबूज के तो अधूरा सा लगता है। ये एक बेस्ट कूलिंग फ्रूट है जो बहुत सस्ता और बहुत हेल्दी होता है। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो इसमें 90% पानी होता है जो हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। साथ ही साथ इसमें विटामिंस होते हैं जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B6, फाइबर और पोटाशियम भी होता है। ये हमारी बॉडी के वाटर बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है, इम्यूनिटी सिस्टम इम्प्रूव करता है और जो भी हमारे बॉडी में मसल्स क्रैम्प होते हैं उसको रिड्यूस करता है। अगर आप 100 ग्राम वाटरमेलन लेते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 30 कैलोरीज होती है ना, बहुत मजे की बात। सेकेंड है ग्रेपफ्रूट, जिसको हम चकोतरा भी बोलते हैं। ये हमारे फैट को बर्न करके हमारा वेट लूज करने में मदद करता है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, साथ ही में इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इट ऑल्सो रिड्यूस चांस ऑफ स्ट्रोक्स एंड ऑल्सो हैव एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़। इसमें बहुत कम कैलोरीज होती हैं, ये 100 ग्राम अगर आप लेते हैं तो इसमें 42 कैलोरीज होती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है जो हमें गर्मी में हमारी बॉडी को जिसकी बहुत ज़रूरत होती है। थर्ड मेरी लिस्ट में आता है एप्पल। ये तो आपने सुना ही होगा, एन एप्पल अ डे
keeps doctor away. It is full of antioxidant, mineral, vitamins and fiber. इसमें बहुत कम calories होती हैं. अगर आप एक medium apple लेते हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 52 calories होती है. ये आपके metabolism को तो improve करता ही. इसमें बहुत सारी anti-aging properties होती है. ये हमारी sweet cravings को कम करता है और साथ में हमारे appetite को भी कम करता है. जब हम इसको लेते हैं तो ये हमारा stomach भी बहुत देर तक full रखता है fiber की वजह से. So आपको अपनी diet में apple को ज़रूर include करना चाहिए. इसको आप कॉर्नफ्लेक्स में डाल के खा सकते हो, एप्पल की खीर बना सकते हो, एप्पल को आप ओट्स में भी डाल के ले सकते हो. इनफैक्ट आप अनपील्ड एप्पल लो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. फोर्थ है स्ट्रॉबेरीज. स्ट्रॉबेरीज में बहुत सारे फाइबर, मैग्नीशियम, विटामिन सी, फॉलेट, पोटाशियम और फ्लेवोनाइड्स होते हैं. ये डाइजेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है. इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी बॉडी की इंटरनल सूजन को कम करता है और साथ ही साथ ये मसल को भी रिपेयर करता है. आप इसको शेक बना के ले सकते हो या डायरेक्ट भी कंज्यूम कर सकते हो. स्ट्रॉबेरीज़ में बहुत कम कैलरीज होती हैं. 100 ग्राम ऑफ स्ट्रॉबेरीज हैव ओनली 33 कैलरीज. सालों से स्ट्रॉबेरीज मेडिसिनल पर्पस से यूज हो रही हैं. फिफ्थ है पाइनएप्पल. इसमें काफी क्वांटिटी में एंजाइम्स होते हैं, विटामिन्स और फाइबर्स होते हैं. ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है और बॉडी में जो इंटरनल इन्फ्लेमेशन होती हैं उनको कम करता है. इससे हाई ब्लड प्रेशर भी कम होता है और साथ में ये कैलरीज को भी बर्न करता है. इससे आपका वेट कम होता है. इसमें बहुत कम कैलरीज होती है. 100 ग्राम पाइनएप्पल में 50 कैलरीज होती है. इसको हमें अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए. सिक्स्थ है पपाया. इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, फॉलेट और फाइटोकेमिकल्स होते हैं. इसमें एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स पेपिन भी होता है. ओवरऑल ये आपकी गट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है. ब्लोटिंग और इंडाइजेशन से बचाता है और वेट लूज करने में भी बहुत हेल्प करता है. इसमें काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमें हार्ट डिजीज से बचाते हैं. इसमें बहुत कम कैलरीज होती है. 100 ग्राम ऑफ पपायाज में 39 कैलरीज होती हैं. इसको मैं रात में सोने से एक घंटा पहले खाना प्रेफर करती हूँ. सेवेंथ है स्टोन फ्रूट. मेरा तो बहुत फेवरेट है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है. ये एक ग्रुप है फ्रूट्स का जिसमें खुबानी, आड़ू, आलू बुखारा और भी बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं. ये सभी सीजनल फ्रूट है जो समर में बहुत आसानी से अवेलेबल होते हैं. इसमें बहुत कम कैलरीज होती है और न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है. इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और फाइबर भी होता है. यही क्वालिटी है जो इसको एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनाती है उन लोगों के लिए जो वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हैं. ये सब आपके लिए एक न्यूट्रिएंट्स डेंस और स्टमक फीलिंग स्नैकिंग ऑप्शन है. इसमें बहुत कम कैलरीज होती हैं. लगभग 150 ग्राम्स अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं तो इसमें 58 कैलरीज होती है. लास्ट बट नॉट लीस्ट मस्क मेलन, जिसको हम खरबूजा भी कहते हैं. ये बहुत अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो वेट लूज करना चाहते हैं बट उनको बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग होती है, तो वो ये चीज़ ले सकते हैं. इसमें बहुत कम कैलरीज होती है. 100 ग्राम ऑफ खरबूजा हैव ओनली 34 कैलरीज और इसका न्यूट्रिएंट वैल्यू तो इतना ज़्यादा है. इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6 और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं इसमें. और ये आपके बीपी को कंट्रोल करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, आंखों पे स्ट्रेंथ देता है और आपको अल्सर की ट्रीटमेंट के लिए भी ये यूज होता है. अगर आप प्रेग्नेंट हो तो ये आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन को दूर करता है, ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, पीरियड्स में होने वाले दर्द को ये दूर करता है, हार्ट डिजीज से हमें बचाता है, किडनी स्टोन से हमें बचाता है. इसके बहुत फायदे हैं लेने के और आप इसको रोज ले सकते हो बट इन लिमिटेड क्वांटिटी. अगर आप मिक्स फ्रूट सैलेड लेना चाहते हो तो आप 250 ग्राम सैलेड ले सकते हो एक बार में और अपने खाने को स्किप करके फ्रूट नहीं लेना है. फ्रूट एज अ मिड मॉर्निंग, मिड इवनिंग या मिड आफ्टरनून मील लेना है. आपको अपना खाना स्किप नहीं करना है, अपना लंच और डिनर नहीं स्किप करना है. उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है टिंग 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 उसको प्रेस करना ना भूलिएगा. टिल देन अपना ख्याल रखिए और अपने आस पड़ोस वालों का भी ख्याल रखिए. Till then, Allah Hafiz, take care.